गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सूरज की पहली किरणें निकलते ही हम यहाँ से दिल्ली से निकल रहे हैं मंडावा की तरफ। मंडावा के लिए दो तीन रूट्स हैं। जो हमको सबसे फिजिबल लगा था वो है गुड़गांव वाला रूट, और वहाँ से नेशनल हाईवे पकड़ के हम मानेसर में प्रोबेबली कुछ खाने के लिए रुकने के बाद फिर वहाँ से सीधा चलते रहेंगे उसी नेशनल हाईवे पे टुवर्ड्स मंडावा इन राजस्थान, जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं होटल शाही पैलेस में, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे ये होटल है और इसके अंदर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। शाही नाम से जो लगता है वही आपको दीवारों पे यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी अच्छा डेकोर है चारों तरफ, अच्छे से पेंट कर रखा हुआ है, कुछ चिप नहीं किया है। ऑफ कोर्स ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आई गेस दे आर प्रोबेबली एक्सपेंडिंग दिस एरिया। डाउनस्टेयर्स यहाँ पे एक फाउंटेन टाइप का बना हुआ है सामने, लेकिन इसमें पानी तो अभी है नहीं, बट देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सीटिंग स्पेस। सो दिस इज द एरिया एंड देर आर सम चेयर्स आर एज यू कैन सी सम चेयर्स आर लेड आउट ऑन द आउटसाइड शाम का माहौल बनाने के लिए। चलिए फिर आइए हमारे रूम में आपको दिखाते हैं। ये है रूम का एंट्रेंस। लेफ्ट साइड पे बाथरूम का एंट्रेंस। तो ये है वॉशरूम, रीजनेबली बिग फॉर दिस साइज ऑफ रूम। मिरर में फैंसी डिजाइन कर रखा है एंड पंखा भी है, तो कुछ भी सुखाना हो बाथरूम में तो पंखा इज क्वाइट कन्वीनियंट। एंड देर इज एन एग्जॉस्ट फैन एज वेल। अच्छा, ये जो बेसिन है इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। इसमें जब हम ऑन करते हैं पानी तो इतनी ज्यादा छींटे आते कि इनवेरिएबली यू एंड अप गेटिंग वेट। दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस यस्टरडे। सो सही तरीके से ऑन करना पड़ता है टू इंश्योर कि खुद ना भीगे जाए। तो प्रोबेबली आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप लोग घर पे कोई नया बेसिन लगाना चाहते हैं तो ये साइज तो डेफिनेटली मत लगाइए।
यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सारे कमरे हैं। इन कमरों से इस तरफ सीधा की इस तरफ अगर वॉक करें सामने की तरफ सेम फ्लोर पे, तो ये डाइनिंग एरिया आता है। एंड एज यू कैन सी दिस इज एन ओपन एरिया फॉर डाइनिंग। ये है जो डाइनिंग एरिया बना रखा है। इनफैक्ट इट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल पार्टीज एज वेल। यहां से अगर आप अंदर की तरफ आए तो ये इनर सिटिंग एरिया है। यहाँ पे दो तीन टेबल्स हैं जहाँ पे खाना खाया जा सकता है। दिस इज द प्लेस वेयर वी हैड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का स्प्रेड यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं टोस्ट के लिए है, पोहा है, केला है, और आगे की तरफ पूड़िया भी है। One hour later. लड़का जा रहा वहाँ। और ये घर का आर्किटेक्ट है, वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने उसका आर्किटेक्ट किया था इस हवेली का, विदाउट पेंटिंग, विदाउट फ्रेस्को, आर्ट डेकोर। यहाँ का सीन है पूरा, वो जो नाई रहता है मोटा वहाँ पे खड़ा रहता है, यहाँ पे आमिर खान खड़ा रहता है, बाकी के यूनिट के लोग हैं यहाँ पे बैठे रहते हैं। वो सेटिंग करता है, फिर वो नाई मोटा रहता है, वो लात मारता है वहीं खेत का, वो यहाँ पे गिरता है, फिर वो इधर से भागता है और भाग के वो आगे चला जाता है उधर वाली एक हवेली की तरफ। भागता वागता वहाँ पे एक्सीडेंट होता है, उनसे टकराता है वो संजय दत्त के बैंड बाजे से। वो आगे का सीन होता है, समोसा खिलाता है आमिर खान को, वो पुलिस की ड्रेस पहन के, यही भाई साहब है जो समोसा खिलाता है उनको। तो ये हवेली है जिसको नाम है सने राम लड़िया हवेली। फिर से बोलना। इसका नाम है सने राम लड़िया हवेली। अच्छा, ठीक है। जो ये है ये मालिक, ये मान लो क्योंकि पहले वाला मालिक था जिसने बेच दिया, सने राम जी थे, उसी ने अभी उन्हीं के बेटे या पोते ने बेच दिया हवेली को, इसी ने खरीद लिया, खरीद के उन्हीं को अब छोटा सा म्यूजियम बना रखा है। वही 100 रुपये टिकट है एक आदमी का देखने का अंदर से, टिकट हर हवेली में। वो कोई चीज पसंद आ जाए तो खरीद भी सकते हैं, बेचने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे तो सजाई हुई है देखने के लिए, लेकिन अंडरग्राउंड उन्हीं के पास बहुत बड़ा एंटीक कलेक्शन है। हर पार्ट में दो रूम, एक किचन और एक टेम्पल है, हर पार्ट सेम है। जो ऊपर की जितनी भी रूम है ये गेस्ट रूम है, ये सिंगल हवेली। अच्छा, हाँ, इसके ऊपर के रूम है सारे खुले हैं, नीचे के हैं, ये किचन है वो खुला है, क्योंकि हर पार्ट के अंदर आपको एक टेम्पल मिलेगा। लेकिन ये जो सेंटर में है ये फैमिली टेम्पल है, ये जो लिखा है ये किसने लिखा है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आर्टिस्ट ने बनाया था उसी का लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने ही लिखा है। भाई का ये वाला पार्ट है वो दूसरे भाई का है, ये दो भाई की जॉइंट हवेली है। चोखा नहीं, डबल हवेली है। चोखा नहीं है, वो एक कास्ट है बनियों की, कि पहले जो ये गांव है मंडावा और जो एरिया है इसको कहते हैं सेकावाटी।
सेका वादी के अंदर सात गांव आते हैं मिक्स, तो क्षेत्र में मंडावा है, अराउंड में छह गांव हैं, जैसे कोई 40 किलोमीटर दूरी पे है, 30 किलोमीटर दूरी पे है, ये सारा जॉइंट में है। और हवेलिया सिर्फ सेका वादी में फेमस है। 50 किलोमीटर के बाद आप कहीं जाओगे तो आपको हवेली देखने को नहीं मिलेगी, दूसरी चीज देखने को मिलेगी। तो पहले यहाँ पे बनिए लोग रहते थे, बनिए लोग जो यहाँ पे काम करते थे वो करते थे सिल्क का, ओपियम का, कॉटन का, ऐसा बिजनेस था। और सिल्क और ओपियम था जो कोई नशे का पदार्थ था ओपियम, लेकिन वो यहाँ पॉसिबल नहीं था। सिल्क था वो चाइना में था, ओपियम था वो ईरान में था। तो पहले ये रूट था, ये सिल्क रूट था, कारावान आते थे, सिल्क रूट था। ये कारावान आते थे चाइना से सिल्क के साथ, फिर आते थे ईरान, ईरान से ओपियम लेते थे, फिर वो पाकिस्तान के लिए जाते थे उधर से होते हुए अपने। तो जो सिल्क और ओपियम था वो बनिया लोग ले लेते थे उनसे, और एक्सचेंज में उन्हीं को पैसे नहीं देते थे, एक्सचेंज में उनको स्पाइस देते थे। जब कोई बड़ा व्यापारी होता था जो इस चीज़ को से व्यापार करता था, जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उधर में, तो जो यहाँ के बड़े लोग हैं वो उनको बेचते थे पैसों में, उनसे तो स्पाइस में ले लेते थे एक्सचेंज में और पैसों में बेचते थे, जब वो बहुत पैसे वाले हो गए यहाँ के बने लोग। लेकिन उसी ने फिर सोचा कि हम इतने पैसे वाले हैं, हम कारावान के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, लेकिन कारावान यहाँ पे रुकता नहीं है, सिर्फ यहाँ से गुजरता ही है, तो हम कुछ ऐसा बनाएं अलग कि कारावान आए तो वो यहाँ पे रुके। तब यह हवेलियाँ बनाई, ये 18वीं शताब्दी में बनाई थी सारी हवेलियाँ यहाँ की। और ये पेंटिंग्स है, ये 19वीं शताब्दी का पेंटिंग है। और हर हवेली के पीछे एक लैंड रखते थे, किसी का दरवाजा होता था वो दूसरी तरफ होता था, कि कारावान आते थे वो एक एनिमल के साथ आते थे, हाथी, घोड़ा, ऊँट, उन्हीं के साथ। वो जो पीछे जगह होती थी वो एनिमल के लिए होती थी, और यो इसके अंदर जो रूम रहते थे वहाँ पे रुकते थे कारावान जो लोग रहते थे वो। ठीक है, तो सारी हवेलियाँ है। सूर्य एक आदमी का लगता है तो किसी को मैंने सूर्य का एक आदमी, ये हवेली है जिसका नाम चौखानी हवेली है, चौखानी डबल हवेली, दो भाइयों की डबल हवेली है। ठीक है, तो इनका मालिक यहाँ पे रहता नहीं है, मालिक रहता है कलकत्ता। ठीक है, तो जो एक भाई है जो एक पार्ट उधर पार्ट वाला जो जिसने अभी काम स्टार्ट कर रखा है, जो रीपेंटिंग कर रहा है, इसी को रेस्टोरेशन कर रहा है पूरा हवेली के, तो उसके अंदर की 100 रुपये चार्ज है एक आदमी का देखने का। ठीक है, पहले ये दिखाते हैं, आ जाइए। आर्किटेक्चर वो सेम है, पेंटिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट है। काम चल रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे पेंटिंग हो जाएगी। अभी तो स्टार्ट ही किया है महीने दो महीने से, अभी टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे डिटेल में काम हो रहा है सारा। पहले ऐसा ही पेंटिंग था, उसी पे सिर्फ कलर कर रहे हैं रीपेंटिंग। अभी मरम्मत ये रीपेंटिंग के लिए कर रहे हैं या मरम्मत रीपेंटिंग के लिए? सिर्फ यहाँ पे जहाँ से कोई थोड़ा वो टूटा हुआ है वहीं से ही तोड़ रहा है, बाकी तो जो प्लास्टर है वो ही है पुराने वाला, जो पेंटिंग है उसी पे कलर कर रहे हैं। ठीक है, मैं सब थोड़ी सील आ गई। बनियों भी खुद रईस थे, पैसे वाले थे, लेकिन बनियों के आगे कोई नहीं सर झुकाता था। लेकिन बनियों ने सोचा कि महाराजा के आगे तो मैं भी जाके सर झुकाता हूँ, और मेरे आगे कौन झुकाएगा? तो उसी ने सारे दरवाजे अपने घर के छोटे बना दिए, कोई भी अंदर आए इंटर करेगा तो पहले उनको सर झुकाना ही पड़ेगा। तो बोले मेरे को रिस्पेक्ट नहीं होगा तो मेरे नाम को तो रिस्पेक्ट होगा। उन हवेली में जाके मैंने सर झुकाया। सही है। राम के लिए बहुत अलग-अलग पेंटिंग है, ये गोपी का कृष्णा, ये पेंट गिरा हुआ है कि क्या गिरा हुआ है इसके ऊपर? ये निकला हुआ है, क्योंकि ये काफी सालों बाद खुला है, ये रूम काफी सालों से बंद पड़ा था, ये सारे रूम बार वाला जो पार्क है वो ही खुला था। पर ऐसा मानना थोड़ा मुश्किल है कि इतने सालों तक तो कोई आता ही नहीं था,
इन कमरों को देखने के लिए। अब कैसे आने लगे, अब कैसे लोग आने लगे हैं देखने? लोग तो आते थे देखने के लिए, लेकिन उनके पास चाबियां नहीं थी, चाबियां मालिक के पास थी, क्योंकि मालिक था उन्हीं का। और राइट में जैसे हो गए, इसको बोलते बैठक, ये होता था गेस्ट रूम। पहले जो गेस्ट आती थी उड़ते तो डायरेक्ट अंदर चली जाती थी, लेकिन मेन लोग के पास परमिशन नहीं था, तो मेन लोग पहले यहाँ पे कोशिश करते थे, मीटिंग करते थे, उन्हीं के बाद अंदर चले। ये देखो, ये जो लकड़ी का है पूरा फ्रेम है जो दरवाजे का, ये लकड़ी का है, प्लास्टिक वुड है। इसके अंदर 60 डिजाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 60 डिजाइन से कवर्टी डिजाइन बोलते हैं इनको। ये हर एक डिजाइन अलग मिलेगी आपको, ये सेम नहीं है, ये सारे अलग टिक है। नहीं नहीं, ये सारे टिक वुड है, लेकिन डिजाइन है उन्हीं के अंदर जो करी हुई है, हर एक गाँव की डिजाइन समान, अलग अलग गाँव की, 7 गाँव की डिजाइन मिक्स है, इनको टेकावाटी डिजाइन बोलते हैं। ये ब्रास हो गया और ये वुड टिक ना, ये पूरा मल्टीपल ब्राइट कलर्स होते हैं सारे, वो नया है, और जो ब्लैक है वो उधर है, ये ओरिजिनल पार्ट है पुराना ऑफ टाइम। और ये कैसल मंडावा है, पीछे का हिस्सा है। ये भी दो भाइयों की प्रॉपर्टी है, जो एक भाई की प्रॉपर्टी, ये भी मान लो डबल जैसे ही है, दो भाइयों की प्रॉपर्टी है, तो एक भाई का तो पार्ट है, इधर वाला पार्ट है जो खाली पड़ा है, तो दूसरे वाला भाई ने कन्वर्ट कर दिया होटल में, जो एक रूम से स्टार्ट किया था, आज उसी में 85 रूम है। कासल मंडावा है ना, मंडा वो वाला 5-star बना दिया है ना शायद, उन्हीं का एक पर्सनल होटल है डेजर्ट रिसोर्ट, जो बाहर है मंडावा से बाहर जाके, एक जयपुर में होटल मंडावा हवेली के नाम से। हाँ सुना है। ये पूरा सैंडस्टोन ही है क्या जो बना हुआ है? ये सारे जो मटेरियल है ये पूरा मटेरियल लाइम प्लास्टर। अच्छा, ये सब कुछ लाइम प्लास्टर है, चूने का बनाया हुआ सारा, उसमें ईंट भट्टा कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ चूना ही। लेकिन ये काला क्या समय के साथ अपने आप काला हो जाता है? ये बारिश के पानी से। अच्छा, उनका रिपेयर हुआ नहीं काफी सालों से। हाँ। जो बारिश का पानी होता था उनसे काई आती थी,